अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कमला हैरिस को हराते हुए जीत हासिल की। यही रिपब्लिक पार्टी 51 सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी को 42 सांसद मिली, जो राष्ट्रपति पद जीतने के लिए कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। जैसे भारत में कुल कितने सीट है और कितने सीट लाने पर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी राष्ट्रपति पद जीतने के लिए इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। वहाँ इलेक्टोरल वोट के माने होता है सीट की संख्या, और कमला हैरिस और ट्रंप की राष्ट्रपति पद जीतने के लिए और कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता है, जिसे हाल ही में अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक माना जाता है। ट्रंप, जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, वही व्हाइट हाउस वापसी की मांग कर रहे थे। वही राष्ट्रपति कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने की इतिहास रचने के लक्ष्य बना रही थी, लेकिन चुनाव हार गई। जो बाइडेन ने ट्रंप की जीत की बधाई दिया, व्हाइट हाउस में जल्द मिलेंगे दोनों राष्ट्रपति। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इलेक्ट्रॉल कॉलेज की वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्ट्रॉल कॉलेज वोट की मतदान होता है। 270 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। अमेरिका में 50 राज्य है, अधिकतर राज्य और चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे, सिवाय स्विंग राज्यों को छोड़कर। कमला हैरिस तमिलनाडु के पैट्रिक गाँव है, वहाँ पर पाठ कराई गई थी। वही दिल्ली में ट्रंप के लिए जीत की प्रार्थना की गई। कई कमला हैरिस के समर्थन कर रहे थे, कई डोनाल्ड ट्रंप की। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से किया गया मतदान। भारत के मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, साथ ही अंतरिक्ष यात्री बुच विलियमोर और डॉन पेटिटी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले ही मतदान कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्रंप को काफी सपोर्ट किया और वोटरों को करोड़ों और रुपया देने का वादा किया। इसमें से $10 लाख के इलेक्शन गिव अप मामले में एलन मस्क पर वोटरों ने किया मुकदमा। अरबपति एलन मस्क के पर मंगलवार को एक प्रस्तावित समूह कार्रवाई में रजिस्टर वोटर की और मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने संविधान के समर्थन करने के लिए उनकी याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। एलन मस्क के मतदाताओं वादा किया था कि राष्ट्रपति पद चुनाव के तक हर दिन किसी एक मतदाता का $1 मिलियन जीतने का अवसर है। एलन मस्क ने पीएससी को $119 मिलियन से ज़्यादा का धन दिया। अमेरिका के पीएससी के एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन करने के लिए बनाया था। अमेरिका के चुनाव के नतीजे के दौरान मार्च में अपने एक ट्विटर हैंडल से कई पोस्ट किए। जेफ बेजोस ने ट्रंप की जीत की बधाई दी, और जो अमेजन के संस्थापक और अध्यक्ष बिजनेसमैन थे। कमला हैरिस और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने से उनकी चूक हो चुकी है। अमेरिका में कभी भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। जय हिंद।